ग्रहण क्या है, ग्राह्य ग्रह ग्रास, माइथोलॉजिकल पुराण क्षेत्र में बताया गया कि राहु निगल जाता है सूर्य को, चंद्रमा को, चलो कोई नहीं देखने गया उतना दूर जाके, और राहु है नहीं, केतु है नहीं, लेकिन छाया ग्रह हैं, धूम्रा वर्ण वगैरह वगैरह मैं मंत्र में बताता हूं। ये है क्या? देखिए योग में अपरिग्रह बताया गया, किसी चीज को ग्रहण करना या नहीं ग्रहण करना, परित्याग कर देना, अपरिग्रह, ग्रहण करना, लेना, स्वीकार करना, सोच लेना। तो इस समय जो ग्रह के ऊर्जाएं आपके अंदर हैं या सूर्य जो इंपैक्ट डालेगा उसके ऊपर एक आवरण बनना, एक कवर डाउन होना। सोचिए सूर्य मेष राशि में उच्च का होके ओवर पावर सुपर एनर्जी सबको देने वाले, और यहीं पर राहु चारों तरफ से आविष्ट कर लेना, ग्रास कर लेना, खंडग्रास कर लेना, कवर कर देना, उसको चारों तरफ से मायाकृत कर देना, या अंधे सूर्य के जो ऊर्जा है, शक्ति है, किरण है, बिम है, आलोक है, लाइट है, उसको अंधेराकृत कर देना। तो जीवन में जो जो ग्रहण आप किए हैं, उन भाई बहुत से लोग हैं भिन्न प्रकार के राहु केतु अफेक्टेड, पाप ग्रह के अफेक्टेड, बिना फालतू बिना मेहनत का धन इत्यादि आप ग्रहण करते हो, जिसके लिए आपके जीवन में भिन्न प्रकार के कर्म दंड शनि बाबा आके दे देते हैं, ढैया साढ़े साती महादशा अंतरदशा में। अब ये ग्राह्य ग्रहण आपके ऊपर इस प्रकार के इम्पैक्ट डालना और आपके अंदर वो प्रवृत्ति को बढ़ा देना, इसीलिए ज्योतिष में ग्रहण को डरने का या अलर्ट रहने का या सावधान होने का, हमारे मति में, ब्रेन में, हमारे बुद्धि में, हमारे चेतना में, हमारे तेज होज में एक प्रकार के डाइवर्ट, डिटैच, डिस्कनेक्ट, डुप्लीकेसी करा के रखते हैं। जैसे राहु कैसे पाप कराएगा, आपके अंदर लगेगा कि ये पाप नहीं है, आप अभी पाप करोगे तो आपको दंड नहीं मिलेगा, ये कोई जीव हत्या, मांस भक्षण, सुरा इत्यादि पंचमकार पाप नहीं है, करो, भ्रम करते हैं। तो ये ग्रहण का इम्पैक्ट, अब ग्रहण से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, ग्रहण समापन के बाद स्नान आदि करते हैं, शुद्धादि पवित्रता आदि करते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के दान आदि करते हैं। बेसिक इम्पैक्ट ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए, स्नान शुद्धिकरण इत्यादि के बाद, इस समय हम बचपन से देखते देखते हमारे दादाजी और वगैरह बताते हैं, चावल, ऊपर में कुछ पैसा और कुछ अन्नादि वस्त्रादि लेके ब्राह्मणों को, और या फिर हम लोग तुलसी पेड़ के नीचे रख देते थे और ग्रहण लेने वाला जो स्पेशल ब्राह्मण होता है वो आके सबके घर से संग्रह करके ले जाता है। बेसिक इम्पैक्ट है, बेसिक काम बचपन से देखते आए, आप लोग कर सकते हैं, नहीं करें कोई बात नहीं। और बहुत सारे प्रकार के भिन्न भिन्न राशि नक्षत्र और कुंडली के अनुसार आने वाला ग्रहण के कारण जिस प्रकार के समस्याएं आपके जीवन पे ग्रहण का उपरांत आएगा, उसके लिए आपका कुंडली विश्लेषण करवा लीजिए और उसी अनुसार दान टोटके या रेमेडी करिए। मैं इसलिए बहुत ज़्यादा रेमेडी के ऊपर मेरे यूट्यूब चैनल पर बात नहीं करता, क्योंकि इस प्रकार के रेमेडी कभी कभार भयंकर बैकफायर कर जाता है, लोग समझ नहीं पाते। मैं उतना नेगेटिव बात नहीं करना चाहूँगा, बट बेसिक दाने दुर्गति क्षय। और एक बात, अगर आपका जीवन आध्यात्मिक है, जप तप पूजा पाठ साधना तपस्या करते करते आ रहे हो, कोई भी किसी भी धर्म का, अगर आप हिंदू हो, सनातनी हो, आर्य समाजी हो, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो, अगर आपका जीवन आध्यात्मिक धरोहर बेस पे चलता है, स्पिरिचुअल एनर्जी गेन अप कर लेते हो,
ये ग्रहण का इफेक्ट आपको बहुत ज्यादा आपके सिस्टम के ऊपर, ब्रेन के ऊपर, माइंड के ऊपर, भल के, भय के ऊपर, भ्रम के ऊपर उतना ज्यादा आएगा तुझे कम होगा। ये आपको डाइवर्ट, डिटैच, डिस्कनेक्टेड नहीं करेगा, आपको सही दिशा पे लेके जाएगा और आप अपने ऊर्जा के कारण उस ऊर्जा को झेल लोगे। जो नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव भावना जो आपके अंदर इंपैक्ट डालने वाला था, क्योंकि आप स्पिरिचुअली सो स्ट्रांग हो तो आएगा, हिट करेगा, लेकिन आप उसमें झेल के स्ट्रांगली निकल जाओगे। तो ये ग्रहण के बारे में जो भी थोड़ा सा आवश्यक है बता दिया। कुंडली विश्लेषण करने के लिए आप लोग हमें संपर्क कर सकते हो 9437580589 या फिर 9938727418। और ये जो हमारा साधना सिद्ध कोर्स चल रहा है, वेद वेदांत इत्यादि, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु इत्यादि का, तो उसमें भी आप लोग एडमिशन ले सकते हो। ऑलरेडी ग्रुप शुरू होने जा रहा है, साथ में गुरुकुल का आचार्य प्रशिक्षण कोर्स, स्पेशली मार्शल आर्ट, कराटे टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, योगाचार्य प्रशिक्षण कोर्स, ये भी एडमिशन शुरू हो चुका है, इसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।